हेलो एवरीवन, तो ये क्लास 9th एनसीईआरटी 8.1 का 11th क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काफी सारे बच्चों का ये डाउट भी रहता है अक्सर, तो आज हम इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना आए, क्योंकि ये क्वेश्चन स्कूल लेवल पे भी अराउंड हर स्कूल में पूछा ही गया लास्ट ईयर भी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आइए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप गिवन लिखोगे एग्जाम में, गिवन में क्या क्या लिखोगे? ए बी इज इक्वल टू डी ई, देख रहे हो आप, ए बी जो है वो किसके इक्वल है बेटा, डी ई के, और ए बी डी ई के पैरेलल भी गिवन है, ठीक है। और फिर बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, और बी सी पैरेलल टू ई एफ भी है, ये भी गिवन है, ठीक है। वर्टिसेस ए बी सी को ज्वाइन कर दिया, ये सारा आप देख रहे हैं, वर्टिसेस डी ई एफ के साथ, ए बी सी को डी एफ, ए को डी के साथ किया, बी को ई के साथ, सी को एफ के साथ ज्वाइन कर दिया। शो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी डी इज ए पैरेललोग्राम, फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं, आइए एक एक करके करेंगे, बहुत इजी है ये। अगर मुझे ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, देखिए मैं ये ऑरेंज वाली क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ, ए बी ई डी, दिख गई आपको? इस ए बी ई डी में ए बी डी के इक्वल भी है, देखो ए बी जो है वो डी के इक्वल भी है, और ए बी जो है वो डी के पैरेलल भी है, देखो ये गिवन है, ये सारा ये चीज तो गिवन है। और मैंने कितनी बार बताया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो क्या होती है, एक पैरेललोग्राम होती है। तो पहला पॉइंट प्रूव हो गया, तो पहले पॉइंट के लिए आप थ्योरी क्या लिख के आओगे, ए बी इज इक्वल टू डी ई गिवन, ए बी पैरेलल टू डी ई ये भी गिवन, सो ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। रीजन क्या लिख के आओगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन पेयर इज वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल लिखना, क्योंकि अभी आप प्रूव कर रहे हो ना, तो आप अभी पैरेललोग्राम नहीं लिख सकते। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रूव हो गया, अब मैं रब कर दूं, अगर किसने देखना हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना जो मैं बताता जा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट हमारा डन हो गया, एवरीवन ओके विद दिस, ओके फर्स्ट पॉइंट डन हो गया। अब मैं किस पे आ रहा हूं बेटा, सेकंड पॉइंट पे, क्वाड्रिलेटरल बीई एफ सी क्यों है पैरेललोग्राम, देखो बड़ा सिंपल है, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, सेम लॉजिक, बी सी इज इक्वल टू ई एफ है, ये देखो ये गिवन है, और बी सी पैरेलल टू ई एफ ये भी गिवन है, तो सेम सिमिलरली जैसे फर्स्ट को किया, सेकेंड में भी एक पेयर पैरेलल और इक्वल दोनों प्रूव हो गया बी सी एफ ई में, तो बी सी एफ ई भी क्या होगी, एक पैरेललोग्राम, फर्स्ट की तरह ही करना है बिल्कुल। तो इसको मैं लिख नहीं रहा, आप बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही थ्योरी लिखोगे, इन क्वाड्रिलेटरल बी सी एफ ई बी सी इज इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ देन बी सी एफ ई इज ए पैरेललोग्राम या बी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम। दो पॉइंट हमारे प्रूव हो चुके हैं, किसी को डाउट हो तो बता दीजिए। अब ध्यान से देखना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, फर्स्ट जब हमने प्रूव किया था, फर्स्ट में किसको पैरेललोग्राम प्रूव किया था, ए बी ई डी को, ये लो मैं ब्लैक में दिखा रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट में ए बी ई डी को पैरेललोग्राम प्रूव किया था, तो वहां से हम लिख लेंगे ए डी पैरेलल टू बी ई एंड ए डी इक्वल टू बी ई बिकॉज ए बी ई डी हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया था, उसके बाद की बात है। मैं थर्ड पार्ट के लिए ये सब मेहनत कर रहा हूं, ये जो कर रहा हूं इसको लिख लेंगे फर्स्ट। अब सेकंड पॉइंट के अंदर बी ई एफ सी को पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, ये देखो इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया सेकंड पॉइंट के अंदर, बी ई एफ सी, आइए ये ऑरेंज में दिखा दिया मैंने बी ई एफ सी, तो अगर ये पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया सेकंड में तो क्या होगा, बीई पैरेलल टू सी एफ एंड बीई इक्वल टू सी एफ, इसको पॉइंट नंबर टू क्यों है ये, क्योंकि अभी अभी सेकंड पॉइंट में हमने बीई एफ सी ए
पैरेललोग्राम प्रूव किया ना। हाँ जी, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या कह सकते हो, वन में और टू पॉइंट में, यहां पे देखो बीई दोनों जगह आ रहा है, ठीक है, तो बी को हटा के ADCF के इक्वल भी हो गया और ADCF के पैरेलल भी हो गया। ADCF के बी दोनों जगह आ रहा है ना, पैरेलल वाले लॉजिक में भी और इक्वल वाले लॉजिक में भी, तो बी हटा के AD अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो थर्ड पॉइंट ट्रू हो गया, AD पैरेलल टू सी, CF एंड AD इज इक्वल टू CF फ्रॉम वन एंड टू पॉइंट। फ्रॉम, तो मैंने खुद से नंबरिंग दिया यहाँ पे वन एंड टू, वन एंड टू कह सकता हूं ना, AD पैरेलल टू CF एंड AD इज इक्वल टू CF, ठीक है बेटा। तो थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया, आओ ध्यान से देखो इसको बेटा, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल रेड वाली, इस रेड वाली क्वाड्रिलेटरल में AD जो है, AD आओ इसको मैंने ग्रीन में मार्क कर दिया, AD CF के इक्वल भी प्रूव कर दी और AD CF के पैरेलल भी प्रूव कर दी, तो क्या होगी बेटा ये ACFD एक पैरेललोग्राम होगी। सो थर्ड पॉइंट तो हो ही गया हमारा क्वेश्चन का, थर्ड पॉइंट भी प्रूव हो गया, फोर्थ भी, क्यों हो गया, थर्ड की वजह से, क्योंकि भाई इफ वन अपोजिट पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम हो गई, फोर्थ पॉइंट भी हमारा प्रूव हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गई ACDF, ACFD, ACFD एक पैरेललोग्राम हो गई, तो AD इज इक्वल टू CF तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, तो अब AC इज इक्वल टू DF हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब क्या लिख देंगे, AC इज इक्वल टू DF अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, तो हमारे पांच पॉइंट प्रूव हो गए। किसी को कोई डाउट, अब मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं, ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने आओ, बिल्कुल लास्ट पॉइंट कर रहे हैं। ट्रायंगल एबीसी देखो पहले तो, ये पिंक वाली नजर आई, और ट्रायंगल डीईएफ देखो ये ग्रीन वाली नजर आई, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बड़ा सिंपल है। एसी इज इक्वल टू डीएफ क्यों बताओ, फिफ्थ पॉइंट में प्रूव कर चुके हैं, AC इज इक्वल टू DF क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने पैरेललोग्राम प्रूव करी है ना ये, बिकॉज ACFD इज ए पैरेललोग्राम, बोलो समझ आया, और AB इज इक्वल टू DE क्यों, AB इज इक्वल टू DE क्यों बताओ, सोचो देखो इसको ऑब्जर्व करो, AB DE के इक्वल इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर पहले ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम प्रूव करी थी फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम, पहले पॉइंट में प्रूव करी थी, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। अब मुझे बताओ बी सी इज इक्वल टू ई एफ क्यों, बी सी इज इक्वल टू ई एफ क्यों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये पैरेललोग्राम प्रूव करी थी BEFC, दिख रहा है BEFC एक पैरेललोग्राम प्रूव करी थी, बिकॉज BEFC इज ए पैरेललोग्राम, तो ये तीनों साइड इक्वल कर दी दोनों ट्रायंगल की, ACB और DFE की तीन साइड इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस लॉजिक से हुई, बाय SSS, तो हमारा सिक्स पॉइंट भी प्रूव हो गया है ना, तो ये समझ आ गया आपको अच्छे से क्वेश्चन, मैंने बहुत डिटेल से समझा दिया आपको, अब आप इसको बार बार देख के रिवाइज कर ले।